भारत में फसल उत्पादन। फसल उत्पादन का अर्थ कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से है। विगत 60 वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन था, जो 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन टन हो गया। अनाज के उत्पादन में विगत 60 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। इसी काल में जनसंख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। देश में 1950-51 में दाल का उत्पादन 8 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 18 मिलियन टन हो गया। इस काल में दाल के उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। देश में 1950-51 में तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया। यह पहले से 6 गुना अधिक है। इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में कम वृद्धि हुई। सभी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि एक समान नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इस बात को समझ सकते हैं।